सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप, एंड स्वागत करता हूं जेआर ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे 7, 8, 9, 10, 11, 12 हर क्लास के सभी वीडियो लेक्चर्स कंटिन्यू आ रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझसे मिलकर अच्छा लगे तो गाइस वीडियो को लाइक कर सकते हो और एक प्यारा सा कॉमेंट भी करो। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा एक ब्लॉगिंग चैनल है, इसका नाम प्रदीप गिरी ब्लॉग, और एक दूसरा एजुकेशन चैनल है, इसका नाम है गिरी ट्यूटोरियल। सो गाइस आप जाके वहां भी अपने प्यार की बरसात कर सकते हो। सो दोस्तों, जैसे पता है कि हमारा टाइप्स ऑफ फोर्स चल रहा है, टाइप्स ऑफ फोर्स के अंदर आज हम जो कवर करने वाले हैं वो है हमारा न्यूक्लियर फोर्स, और न्यूक्लियर फोर्स में स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स एंड दूसरा वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये दोनों मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। ओके, तो तैयार हो आप? तैयार हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना। सो गाइस, बहुत बार बच्चे ये न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स से बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आपके प्रदीप सर हैं ना, आपके दोस्त हैं, आपको एक्सप्लेन करके देते हैं कि स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स क्या है, वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है। गाइज मान लो ये हमारा न्यूक्लियॉन है, इस न्यूक्लियॉन के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों रहता है। अब एक ही प्रोटॉन, मान लो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन के अंदर जो ना सेम चार्ज होता है, और सेम चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल करेगा। मान लो ये भी पॉजिटिव प्रोटॉन है, ये भी पॉजिटिव प्रोटॉन है, तो एक दूसरे को सेम चार्ज होने के कारण एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल करेगा। सो गाइज, दोनों सेम प्रोटॉन को होल्ड करके पकड़ के रखवाने का जो काम करता है वही फोर्स होता है, वही हमारा होता है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। गाइस जैसे मैंने बता दिया कि मानो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इन नंबर ऑफ प्रोटॉन के पास सेम चार्ज होता है, और सेम चार्ज होने के कारण ये दूसरे से रिपल हो सकते हैं, बट यहाँ स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स इनको क्या करता है, होल्ड पकड़ के रखने का काम करके रखता है। सो गाइस आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, कहाँ होता है। So, अब एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं। द फोर्स विच होल्ड द न्यूक्लियॉन, जो फोर्स न्यूक्लियॉन को होल्ड करके रखता है, न्यूक्लियॉन मीन्स दैट इज द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी होल्ड करके रखता है टुगेदर विद इन द एटॉमिक न्यूक्लियस इज कॉल्ड अ स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेस। ओके, सो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूक्लियन के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी रहता है, तो इसको भी होल्ड करके पकड़ के रखने का काम करता है, वो फोर्स होता है हमारा स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, सही बात है, अट्रैक्टिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स नहीं है, अट्रैक्ट करने का काम करता है, पकड़ के रखने का काम करता है, इसलिए कौन सा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स, एंड इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू ओवरकम द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन द प्रोटॉन, प्रोटॉन के बीच में, अभी गाइस मैंने बताया सेम चार्ज होता है, इसीलिए दोनों के बीच में रिपल्शन ना हो और होल्ड करके एक दूसरे को रखे, वो होल्ड करके रखने का काम कौन करता है, हमारा स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर कट समझ में आ गया, अब आगे चलते हैं। इट्स रेंज इज वेरी शॉर्ट, सही बात है, अगर मान लो यहां कोई और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो इसके अंदर रहने वाले न्यूक्लियॉन के अंदर रहने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही होल्ड करके रखेगा, दूसरे के अंदर के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को होल्ड करके नहीं रखेगा, ये इसके अंदर रहने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही होल्ड रखेगा, इसलिए क्या होता है, इट्स रेंज इज वेरी शॉर्ट, द ऑर्डर ऑफ 10^-14 meters, तो सोच सकते कितना शॉर्ट रेंज है। इट इज अ नॉन सेंट्रल, अभी मैंने इसके पहले बताया था ग्रेविटेशनल क्या होता है, सेंट्रल फोर्स होता है, कि सेंटर और सेंटर के बीच में ये दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर से सेंटर की तरफ फोर्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, पर ये क्या है हमारा, इट्स नॉन सेंट्रल फोर्स। ओके, ये नॉन सेंट्रल फोर्स है। गाइस अब नेक्स्ट चलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स बताने से पहले गाइस हमने रेडियो एक्टिव डीके पढ़ा था, रेडियो एक्टिव डीके में क्या होता है गाइस कि अल्फा बीटा गामा ये इमिट होता है। सो गाइस सेम इसके अंदर न्यूक्लियॉन के अंदर से जब बीटा डीके होता है, बीटा डीके होने के टाइम दो चीजें बाहर निकलती है, एक न्यूट्रियॉन, देखो ये लिखा हुआ न्यूट्रियॉन और इलेक्ट्रॉन, ये दोनों क्या होता है बाहर निकलता है, न्यूट्रियॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स होता है जो दोनों को होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है, वो फोर्स हमारा होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। गाइस ध्यान से सुनना, ओके ध्यान से समझना, न्यूक्लियर प्रोसेस के टाइम जब बीटा डीके होता है उस टाइम न्यूट्रियॉन और इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलता है, वो दोनों को होल्ड करके रखने का जो काम करता है वो होता है हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्लियरली समझा, न्यूक्लियर प्रोसेस के टाइम जो बीटा डीके होता है, उस बीटा डीके के टाइम दो चीजें जो हमारा न्यूट्रियॉन और इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके पकड़ के रखने का जो काम करता है वो फोर्स होता है हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो गाइस क्लियरली समझ में आ गया, दिस इज अ फोर्स दैट अपीयर ओनली बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स इन्वॉल्वड इन अ न्यूक्लियर प्रोसेस सच एज बीटा डीके ऑफ न्यूक्लियस,
जब बीटा डीके, जब आपको पता है अल्फा बीटा गामा, तो बीटा जब डीके होता है न्यूक्लियर प्रोसेस के टाइम, तो उस समय दो चीजों को, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये दोनों को होल्ड करके रखने का, पकड़ के रखने का जो काम करता है वो होता है हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब गाइस आगे चलते हैं। इट इज 10^25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ओ माई गॉड, सोचो ये अगर मैं कंपैरिजन करूं ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में भी ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। 10^25 टाइम्स ज्यादा स्ट्रांगर है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में। और इट्स ऑपरेट थ्रू द रेंज ऑफ 10^-12 मीटर। सो गाइस जैसे मैंने बताया इसका रेंज कितना है 10^-14 मीटर, और इसका रेंज कितना है 10^-12 मीटर। ओके सो गाइस मतलब कहने का मतलब क्या है कि न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का इस रेंज में अगर रहेगा 10^-12 मीटर रेंज में रहेगा तो ही क्या करेगा, उसको होल्ड करके पकड़ के रखने का काम करेगा। अगर इस रेंज से बाहर है न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तो उसको होल्ड नहीं कर पाएगा, तो इसका रेंज दिया हुआ है। सो गाइस ये क्लियर मैंने मेंशन कर दिया स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो गाइस आप इतना समझ सकते हो, इतना क्लियरली आपको मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा, और बहुत अच्छे से मैंने समझाने का ट्राई किया हुआ है। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। गाइस बाय बाय, टेक केयर एंड अपना ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।